हेलो दोस्तों, मैं भरत सर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के जो भी चार भेद होते हैं, इनडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उन सभी चार टेंस के बारे में आज हमें आपको जो मेन मेन बात है वे सब हम बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विथ भरत सर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें ताकि हमको आगे और वीडियो बनाने का खुशी मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और सहायता कर सकूं। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों के पास देखिए ऊपर में लिखा गया है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहला भाग आपका आता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस V1 या V5 है। V1 दैट मीन्स मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V5 मतलब मेन वर्ब का 5 रूप है, प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी अदर वर्ड लिखना होगा आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान देंगे। उन नियम के तहत जैसे जैसे नियम बताया जाएगा उन सभी नियमों को हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के तहत बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे प्रथम नियम कहता है टू शो प्रेजेंट हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। इसका कहने का मतलब हुआ प्रेजेंट टाइम में जो भी किसी व्यक्ति का काम आदत बन जाए या वह काम उसका नियमित हो रेगुलरली हो, तो उस काम को हम बनाते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। किसी भी व्यक्ति का कोई काम उसका आदत बन जाए या वह काम उस व्यक्ति का नियमित हो, तो उस प्रकार के कामों को हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के तहत बनाते हैं। पहला सेंटेंस आपके पास दिया गया एग्जांपल में मोनू रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। इसका मतलब कि मोनू पढ़ता है क्या न्यूज़पेपर, कब बाबू, सुबह के समय में। यानी सुबह के समय में न्यूज़पेपर पढ़ना उसका आदत भी हो सकता है और उसका हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस है दे गो टू कॉलेज टू स्टडी एवरी डे। वे लोग कॉलेज के लिए जाते हैं प्रत्येक दिन, काहे खातिर, स्टडी करने के लिए। तो उन लोगों का प्रत्येक दिन रेगुलर उनका हैबिट भी हो सकता है, उनका नियमित एक्शन भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कामों को हम बनाते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। सेकंड आपका फॉर्मेट कहता है टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सांसारिक सत्य तथ्य बात को बताने के लिए भी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का ही करते हैं प्रयोग। सेंटेंस का आता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। अब देखिए इसका मतलब है सांसारिक सत्य कहने का मतलब क्या, कि जो काम पहले भी होता था वही काम आज भी हो रहा हो और वही काम भविष्य में भी होगा उसी प्रकार से। तो उस प्रकार के काम को ही कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पहले भी पश्चिम में ही उगता था, आज भी पश्चिम में ही उगता है और भविष्य टाइम में भी सूर्य पश्चिम में ही उगेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी पहले भी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, पृथ्वी आज भी सूर्य के चारों ओर घूमती है और आगे भी घूमते रहेगी। तो इस प्रकार के वाक्य को हम बनाते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। सेकेंड सेंटेंस आपके पास दिया गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह भी सांसारिक सत्य है, तो इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। नंबर तीन देखा जाए, नंबर तीन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो आपके पास दिया गया है कि जो भी आपका यहाँ पे देखिए ये ऑलवेज नेवर हार्डली स्कार्सली रेयरली जेनरली डेली, इस प्रकार के जितने भी टाइमिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं ये सब का उपयोग हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। देखिए आर यूज इन आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। देखिए यू ऑलवेज कम हियर एट नाइट, ऑलवेज के उपयोग किया गया है, वाक्य बनेगा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में।
यूजुअली आपके पास दिया गया है, तो आप देखिए सब्जेक्ट जब माई फ्रेंड हम लिखे हैं तो मेन भाव जो है आपका सिंस भी फाइव है, मतलब कि प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है। अब आते हैं फॉर्मेट नंबर चार पे। फॉर्मेट नंबर चार पे आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मेट है जो हमें पहला वीडियो में भी इस बात को मैंने बताया है। तो यहाँ पर आप देखिए दिया गया है हुएन प्लस इफ है प्लस प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, पहले भी बताए थे, इसके बाद होता है फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट अ गुड जॉब, यदि आप कठिन काम करेंगे तो आपको एक जॉब मिलेगी। तो ये आपका फॉर्मेट के तहत सेंटेंस हो गया। नंबर फाइव देखा जाए टू सो फिक्स्ड फ्यूचर प्लान से, भविष्य में जो भी प्लान हो लेकिन वह सभी प्लान फिक्स हो, वह निश्चित हो कि होने वाला है, तो उस काम को भी हमें प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस के तहत बनाते हैं। आप उसे फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस में ही बना सकते हैं और प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं। द सेंटेंस देखा जाए द पीएम विजिट्स अमेरिका इन द नेक्स्ट मंथ है, पीएम जो है अगले माह में अमेरिका जाएंगे, मतलब कि गए नहीं है ना गए थे, फ्यूचर टाइम में जाएंगे, इसका मतलब कि आपका निश्चित है कि वह जाएंगे। तो इस प्रकार के काम को भी हम बनाते हैं प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में। द क्लास री ओपन्स इन जुलाई विथ द स्टूडेंट्स, क्लास आपका पुनः खुलेंगी जुलाई महीना में छात्रों के साथ है। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इन डेफिनेट के जो पांच महत्वपूर्ण नियम थे वे होते हैं समाप्त। अब आते हैं प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के सेकंड भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखिए फॉर्मेट लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर, कहने का मतलब क्या होता है V1 के अंत में ING जोड़ दीजिएगा तो V4 होगा, आप प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका पहला नियम क्या कहता है टू शो प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन प्रेजेंट टाइम, दैट मीन्स वर्तमान समय में जो भी काम लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं उन सभी कामों को हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसा कि आपके पास पहला सेंटेंस दिया गया है योर टीचर इज टीचिंग इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स, आपके शिक्षक छात्रों के लिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास सभी पढ़ा रहे, बोलिए हाँ बोलो हाँ हाँ, तो ये प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ा रहे हैं, मेरा काम जारी है, तो इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सेकंड सेंटेंस आपके पास दिया गया है द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, खिलाड़ी लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अभी टाइम के अभी अभी मैदान में जितने भी खिलाड़ी हैं वे सभी क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड नियम देखिए क्या कहता है नाउ अ डेज दीज डेज एट प्रेजेंट एट द मोमेंट आर यूज्ड इन पीसीटी, कहने का मतलब हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इन सभी वर्ड का उपयोग हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। नाउ अ डेज इन दिनों आई एम ए टीचिंग ऑनलाइन क्लास, मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मेरा काम जारी है, तो ये नाउ अ डेज हो या दीज डेज हो या एट प्रेजेंट हो एट द मोमेंट हो, इन सभी वर्ड का उपयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब देखिए नंबर फॉर्मेट तीन टू सो नियरेस्ट फ्यूचर प्लान, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात यह है, नियरेस्ट फ्यूचर प्लान मतलब क्या कि जो काम अभी तुरंत होने वाला हो न कि हुआ हो, अभी जो काम तुरंत होने वाला हो उस काम को हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तहत। जैसे सेंटेंस देखिए द सिंगर इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, मतलब कि गायक जो है स्टेज पे गाना गाने के लिए जा रहे हैं, तो जा रहा है मतलब कुछ अभी गा नहीं रहा है, अभी जा रहा है गाने के लिए, यानी फ्यूचर टाइम में बहुत ही जल्द यह काम होने वाला है। तो इस प्रकार के काम को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। फॉर्मेट चार देखिए क्या कहता है सम वर्ब्स आर यूज्ड इन
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कुछ है क्रियाएं होती हैं, कुछ है भाव्स होते हैं जिनका उपयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहते हैं। बहुत बहुत मेन बात यह है बाबू, जैसे भाव देखिए कौन है, सी लू में, हियर अपीयर, लव है, नो हेट, इसके बाद आपके पास आता है लाइक डिसलाइक, लुक वांट, विश डिनाई, होप, ये सभी ऐसे वर्ब्स हैं जिनका उपयोग हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी नहीं करते हैं। देखिए आर नॉट यूज्ड, जिनका उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे देखिए आई एम नॉट नोइंग, नोइंग भी फिर कभी आप देखे नहीं होंगे, तो ये नॉट नोइंग के कारण सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, डब्ल्यू माने रॉन्ग है। इसको सही किसे बना सकते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ आपके बिहेवियर के बारे में, वाक्य आपका सही हो गया, आर मतलब राइट यानी सही। वी आर लविंग आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माता पिता से प्यार करते नहीं करते हैं, तो इसे प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस बनाएंगे। ऐसे भी जनरली आप सुने होंगे कुछ लोग बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू होता है न कि आई एम लविंग यू, ऐसा बात ना होता है। आते हैं नंबर फाइव में, ऑलवेज नेवर हार्डली स्कार्सली डोंट यूज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन सभी का उपयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। आप यहाँ देखिए यू आर ऑलवेज कमिंग, आर ऑलवेज कमिंग बन गया अभी फॉर कॉन्टिन्यूअस में, जो कि बात गलत है, जिसका उपयोग हम कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए यह सेंटेंस का हो गया गलत हो गया। आगे देखिए माई फ्रेंड इज नेवर सिंगिंग अ सॉन्ग, देखिए इज है उसके निर्भर का उपयोग किया गया है, तो इसके साथ बीफर का उपयोग हम नहीं करेंगे, इसलिए सेंटेंस से अभी गलत हो गया। तो ये बनेगा किस पे, प्रेजेंट इन डेफिनेट जो पहले हम बता चुके हैं उसके आधार पे हम बनाएगा। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपके होते हैं समाप्त। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत। तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखा जाए क्या बातें होती हैं क्या नहीं, इसमें क्या आपको दिया गया है, आप देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ दिया गया है, ये इसके ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद देखिए आपका हेडिंग है यहाँ पे फॉर्मेट, हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का उपयोग करेंगे। हैज कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तब हैज लगेगा, जब सब्जेक्ट होगा प्लुरल तब हैव लगेगा, वी थ्री मतलब मेन वर्ब का तीसरा रूप है प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे भी आप एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, हैज हैव है या हैड उपस्थित हो उसके बाद मेन वर्ब वी थ्री का उपयोग होता है। इसमें देखिए पहला बात का कहता है अ कम्प्लीटेड एक्शन हैविंग इट्स इफेक्ट ऑन प्रेजेंट, प्रेजेंट इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम कम्प्लीट हो गया हुआ बहुत जल्द बहुत सुन नियरली कम्प्लीट हुआ हो तो उस काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। राम हैज अबाउट अ कार विथ अ फादर, राम अपने पिता के साथ एक कार खरीद लिया है या खरीद चुका है। सेकंड आपके पास कहता है सेकंड नियम देखा जाए सम एडवर्ब्स आर यूज्ड इन पीपीटी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप भी बोलिए बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑलवेज हो गया, नेवर है, इवर है, हार्डली है, स्कार्सली है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, एट है, जस्ट है, ऑफन है, एट एट ये बाबू अलग है, एट के बाद कोमा होगा, ये कोमा हो गया, एट जस्ट ऑफन ऑकेजनली सो फार इट्स, इन सभी का उपयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब देखिए इसमें एग्जांपल देखा जाए द बस हैज ऑलरेडी, देखिए द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम पटना, हैज है ऑलरेडी है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, आ दैट मीन्स वाक्य सही है जी, द बस है ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम पटना, देखिए ऑलरेडी है लेकिन आपके यहाँ पर इसके पहले हैज है नहीं है, जिसके कारण यह वाक्य का हो गया गलत हो गया। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं माई ब्रदर्स हैव नॉट गॉन एट हियर, देखिए हैव है आई एट है, ये बात सही है। अब देखिए एट एक ऐसा आपका एडवर्ब है, एट 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 ऐसा एडवर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उपयोग होता तो है और इसके उपयोग वाक्य निगेटिव में भी होते हैं,
यानी एट का उपयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इसलिए हमने नोट दिया है। आप अगला सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर्स हैव गॉन एट, हैव भी है एट भी है, तब तो वाक्य सही होना चाहिए, लेकिन नोट नहीं होने के कारण वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है? सी हैज नेवर वॉच्ड द मूवी, हैज है नेवर है, वॉच्ड भी थ्री है, बात आपका सही है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वाक्य जो हम लोगों का है वह सही हो गया। क्लियर? चलिए अब आपके पास है एक फॉर्मेट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी हम इस बात को बता चुके हैं, आप यहां भी देख सकते हैं लिखा गया है, ये देखिए फॉर्मेट क्या है बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इन डेफिनिट टेंस। आपको हमने पहले भी बोला था सिंस के बाद में यदि पास्ट इन डेफिनिट टेंस हो तो इसके पहले होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए यही एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताया था, यू हैव नॉट सीन हिम सिंस, देखिए सिंस यहाँ पर है, सिंस यहाँ पर है, आगे देखिए मेट पास्ट इन डेफिनिट, इसके पहले हैव नॉट सीन, प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य सही हो गया, लेकिन यहाँ पर हैड हो गया पास्ट परफेक्ट, जिसके कारण वाक्य गलत हो गए। एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, फोर सिंस का भी उपयोग होता है। आप देखिए स्टार माइक नोट में हमने क्या लिखा है, फोर सिंस इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन टाइम इज गिवन। जी फोर सिंस का उपयोग चार टेंस में होता है, लेकिन कब, जब आपके पास उन टेंस में उस वाक्य में समय दिया हो तब, समय उपस्थित होना चाहिए। आपको अब दिमाग में उठेंगे सवाल है कि सर फोर सिंस का उपयोग आखिर कब करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखे वो भी लिख दिए हैं, फोर इट इज यूज्ड बिफोर इन डेफिनेट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी फोर का उपयोग उस समय के पहले किया जाता है जो समय निश्चित नहीं हो, उसके साथ हम करेंगे फोर का उपयोग। सिंस देखिए क्या कहता है, सिंस इट इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का उपयोग उस समय के पहले किया जाता है जो समय आपका निश्चित हो या जो निश्चित समय के बारे में बताता है, उसके पहले हम सिंस का उपयोग करते हैं, और इस प्रकार से यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं वे होते हैं आपके समाप्त। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का सबसे अंतिम भाग देखने का प्रयास करते हैं, और उसका नाम आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप यहाँ देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका फॉर्मेट बाबू देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। एक बार पुनः देखा जाए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आप प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, देखिए टाइम है तो फोर या सिंस है। क्लियर हो गया बात? अब इस कुछ सेंटेंस देख लिया जाए, यू हैव बीन वाचिंग द मैच, यू हैव बीन वाचिंग द मैच फोर फाइव आवर्स, देखिए फोर यहाँ पे है तो फाइव आवर्स ये हो गया आपका अनसर्टेन टाइम पीरियड ऑफ टाइम, जिसके कारण यहाँ पे क्या लगा, फोर लगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Have been watching, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ जो वाक्य सही करता है। सेकंड सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं यू हैव बीन वॉचिंग द मैच, यहाँ तक सही है, लेकिन ये देखिए सिंस पे ध्यान दीजिए, सिंस के बाद में आपका होना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हमने यहाँ पर उपयोग कर लिया है पीरियड ऑफ टाइम, जिसके कारण यह वाक्य गलत है। आप यहां देखिए थर्ड सेंटेंस, रमेश हैज बीन गोइंग टू दिल्ली विथ हिज फैमिली फ्रॉम पटना सिंस मॉर्निंग, रमेश सुबह में पटना से अपने परिवार के साथ दिल्ली के लिए जा रहा है। तो देखिए यहां आप जो देख पा रहे हो सिंस के बाद में मॉर्निंग है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है,
और यहाँ पर आप देखिए धनवेश के साथ हैज बीन गोइंग, यह बात है, सही है, इसलिए वाक्य बाबू आपका सही हो गया। क्लियर। आगे देखिए एक अंतिम सेंटेंस देख लेते हैं। रमेश इज गोइंग टू दिल्ली विथ हिज फैमिली फ्रॉम पटना सिंस मदनी। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बात सही है, लेकिन 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 यहाँ देखिए इज गोइंग यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेट है। हमको चाहिए सिंस दिया है यानी टाइम आएगा, और टाइम और सिंस उपस्थित हो तो वाक्य बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इज गोइंग के जगह पर क्या होना चाहिए, ये हैज बीन गोइंग होना चाहिए, लेकिन नहीं होने के कारण, इसी के कारण यह सेंटेंस आपका हो गया गलत। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लिया, पढ़ लिया। इस वीडियो को बाबू शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो छात्र पढ़ाई से अपने अभी की स्थिति में वंचित हैं उनको तक यह बात पहुंचाई जा सके। आपका बहुत सारा धन्यवाद।